नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कॉर्नफ्लेक्स वाला चूड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, ये दुकानों पे अच्छे से मिल जाता है, मतलब इजीली मिल जाता है। तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है और यहाँ पे देख लिया। तो देखिए दोस्तों, इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ किशमिश ली है और बादाम लिए, काजू लिए, जिसे मैंने बीच से अलग कर लिया है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे एक कप ये मैंने भुना हुआ चना लिया है, जिसके छिलके अलग कर लिए हैं। मखाने लिए हैं एक कटोरी, और एक कटोरी मैंने यहाँ पे स्पीनट लिए हैं, यानी कच्चा सिंगदाना। और मैंने सौंफ ले लिए हैं 2 चम्मच, और कड़ी पत्ता, यहाँ पे मुझे सूखे कड़ी पत्ते मिले, मेरे पास हरे वाले नहीं थे तो मैंने इसे ही ले लिया है। तो कड़ी पत्ते का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाला 1 चम्मच नमक लिया है, और यहीं पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, और यहीं पे भुना हुआ जीरा 1/2 छोटा चम्मच, इसे भी ले लिया मैंने। लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डालेंगे लिया मैंने। 1 चम्मच पी सकते हैं आपको। आप यहाँ पे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारे मसाला फ्रेंड्स रेडी हो गया है, तो इसे रखते हैं साइड में। तो चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 कप मखाने लिए हैं, तो कढ़ाई में अभी कुछ नहीं है, तो सादा इसे मैं इसे रोस्ट कर लूंगी। तो धीमी आंच पे इसे भून लेना है। मैंने कढ़ाई में तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे मखाने बहुत सेहत के लिए अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स, हमारी नमकीन बहुत हेल्दी बनने वाली है। तो धीमी आंच पे इसे मैं 5 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे चेक करना ये हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से फूटने लगेगा, इट मीन्स ये पक गया है। तो कढ़ाई का हम तापमान चेक करेंगे। ये देखिए ये फूल रहा अच्छे से, इसका मतलब ये पक गया, तेल गरम हो गया है। तो तेल गरम रहना चाहिए। तो मैं ये डाल, सारे चूड़ा हमारे खिले खिले निकले हैं, तो इसे निकाल ले रही हूँ। मैं ये देखिए बहुत ही अच्छे से, ये देखिए इसी तरह हम और भी फ्राई कर लेंगे चूड़े को। तेल का तापमान गर्म रहेगा तभी ये खिले खिले होंगे। ये देखिए तो कितना अच्छा फ्राई हुआ है ये। फ्राई में हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है फ्रेंड्स, नहीं तो मूंगफली जल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली में क्रैक आने लगा है, तो मैं इसे निकाल लूंगी। इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए मूंगफली हमारी पक गई है फ्रेंड्स। सेम बाउल में मैं इसे निकाल ले रही हूँ, जिसमें मिक्स करना है हमें फ्रेंड्स। उसी कढ़ाई में मैंने तेल को कम कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे ये बादाम के टुकड़े लिए हैं, इन्हें हल्का सा रोस्ट करना। तो धीमी आंच पे इसे भून ले रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी में मैं थोड़े काजू भी डाल दूंगी। बादाम हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं, और मैंने यहाँ पे किशमिश भी इसके अंदर डाल दे रही हूँ, और हल्की आंच पे इसे भून लेंगे। फ्रूट से सुनहरे हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है। सेम बर्तन में इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। ये देखिए हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ ली हूँ, तो अच्छे से इन्हें भी भून लेना है तेल में। और मैंने यहाँ पे करी लीव्स ली है, इसे भी भून लेंगे। हालांकि मेरी करी लीव्स सूखी हुई है, लेकिन इसे भून लेंगे, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे पास फ्रेश नहीं थी, तो मैंने इसी का यूज किया है। तो ये देखिए कुछ ही सेकेंडों में हमारी सौंफ भी रोस्ट हो गई है, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे डायरेक्टली मैं बाउल में डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मसालों में मैं आमचूर पाउडर भूल गई थी इसे डालना, तो मैंने डाल दिया। इससे खट्टा, मीठा, तीखा सब फ्लेवर आएंगे मुंह में। फ्रेंड्स, हम अपने नमकीन को मिक्स करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ चना लिया है, इसे डाल दिया है, और ये हमारे मखाने हैं, इसे भी ऐड कर देना है। आप अपने नमकीन में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सामान डाल सकते हैं चीजें। दोस्तों, नमकीन में अपने मसाले ऐड करना है, तो 1-1 चम्मच डालते जाना है, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है।
याद रहे मसाले एक साथ नहीं डालना है हमें, डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। तो आप मसाले अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए तीखा मीठा। तो ये देखिए हमारी नमकीन बनके बिल्कुल बिल्कुल रेडी है और ये कुछ ही मिनटों में बन गई है और बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे चाय के साथ